यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव एक योगी हैं और इनकी जरूरतें बिल्कुल कम हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा में धतूरे का फल, बेल के पत्ते, भांग, ठंडा दूध, चंदन का पेस्ट और भस्म चढ़ाए जाते हैं। परंतु ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा में तो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। इसलिए भगवान शिव के भक्तों को यह भी जानना आवश्यक है कि पुराणों के अनुसार वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें पूजा में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, वरना परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पूजा अर्चना से पहले भक्त को स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी और फौरन सब्सक्राइब कर लें। इससे लाभ यह होगा कि हमारे द्वारा मेहनत से बनाए गए फायदेमंद वीडियोस की जानकारी तुरंत आपके पास अपलोडिंग के बाद पहुंच जाएगी। नारियल का पानी। शिवलिंग को जो भी चढ़ाया जाता है उसे भक्तों द्वारा प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की मनाही है। दूसरी तरफ नारियल पानी देवताओं पर चढ़ाए जाने के बाद पीने के रूप में अनिवार्य माना जाता है, इसलिए नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, आप भगवान शिव को नारियल भेंट कर सकते हैं, सिंदूर या कुमकुम। भारतीय परंपरा में सिंदूर या कुमकुम विवाहित महिलाओं के लिए पवित्र माना जाता है। वह इसका उपयोग अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु करती हैं। क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के विध्वंसक व संहारक भी हैं, इसलिए आपकी पूजा में कुमकुम उचित नहीं माना जाता है। तुलसी। किसी भी पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, परंतु भगवान शिव के पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित होता है। दोस्तों, भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी के पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। शिव जी की पूजा तो हमेशा बेल के पत्तों से ही की जाती है। केवड़ा और चंपा के फूल। यह माना जाता है कि शिवलिंग और भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद फूल ही चढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को सफेद रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। परंतु ध्यान रहे कि इन फूलों में केवड़ा और चंपा के फूल कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने इन्हें श्राप दिया हुआ है। ऐसा हमेशा याद रखें। शंख से जल। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा के लगभग सभी कार्यों में शंख का प्रयोग होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना वर्जित है। दोस्तों, विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, परंतु शिव जी की नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं और उनसे कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो इसके लिए हमने दो वीडियोस पहले से ही अपलोड किए हुए हैं और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप उन वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, इसलिए इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।